हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोज़ मैं अपने किचन से गुड मॉर्निंग करता हूँ, लेकिन आज मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ कहीं अलग से। पीछे का नज़ारा देखना चाहेंगे आप? देखिए, ये पूरा रेलवे लाइन है जो घर के बगल में है। यहाँ से बेसिकली मालगाड़ियाँ गुजरती हैं, तो यहाँ मैं आज आ गया था। मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, थोड़ी सी पागलपंती होगी लेकिन कुछ अलग होगा और अच्छा नज़ारा भी आएगा। आजकल कहना कि ठंडी नहीं हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं शर्ट पहन के भी आ गया। ठंडी लग भी नहीं रही है और काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये सामने सूर्योदय, सूरज भगवान अब आसमान की तरफ ऊपर चढ़ रहे हैं। ये रेलवे लाइन, इस साइड की कॉलोनी और इधर की कॉलोनी जिधर मैं रहता हूँ। ये पूरी एक कॉलोनी है बड़ी सी, बगल में रेलवे लाइन है। एक्चुअली ये जगह काफ़ी हाइट पे, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे रोज़ आने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे थोड़ा सा आना मुश्किल है और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा सा गंदगी यहाँ पे ज़्यादा है, तो रोज़ रोज़ नहीं आ सकते हैं। बट ये कि लास्ट टाइम मैं काफ़ी पहले आया था, ठंडी के पहले, तो मैंने सोचा कि एक बार और विज़िट करते हैं यहाँ का। कोई बहुत ख़ास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। ऊपर से अगर व्यू लेना है कॉलोनी का तो यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए, एक मालगाड़ी आ रही है उसको दिखाते हैं, फिर घर चलते हैं। सामने से एक ट्रेन आ रही है और यहाँ आने का सुबह सुबह एक बेनिफिट मुझे मिल जाएगा लग रहा है, तो मैं दिखाता हूँ। तो ट्रेन आ रही है, इसको दिखा। देखिए सूर्य उदय के साथ ट्रेन। मैं थोड़ा और नीचे चला जाता हूँ। तो आज भाई विजय जी ने दिया है पार्टी, खुशी का नहीं पता। विजय जी पीछे बैठ के पार्टी कर रहे हैं, मतलब समोसे उड़ा रहे हैं। और लड्डू, लड्डू आया गजानन के यहाँ से, और समोसा कहाँ से आया? वो भी वहीं से। अब चलिए देखते हैं क्या क्या है। इधर है, ये ऊपर लिखा है गजानन भोग। ये लड्डू है शुद्ध देसी घी में बना हुआ, बाकी खूबसूरत लग रहा है यार, बढ़िया। इधर समोसा है, वाओ। और इधर हमारे विजय जी हैं, इनको नज़र ना लगे लेकिन ये इनका वीडियो हम बना लेंगे, क्योंकि नज़र बहुत लगता है हमारे सर जी को। ये अर्जुन है और इधर हम हैं। लड्डू कैसा लगा आपको? लाजवाब। मतलब घी की तरह ज़्यादा लग रहा है कि लड्डू की तरह ज़्यादा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मीठा है ज़्यादा, जो है कम है तो ज़्यादा है। मतलब ये वाला लड्डू कपिल जी खा सकते हैं कि नहीं? नहीं खा सकते। कपिल जी के लिए लड्डू है और ये समोसा भी है। तो कपिल जी आपको कैसा लगा बता सकते हैं आप? हाय, गुड इवनिंग। तो आज जब भी रात के बज रहे हैं 8, ऑफिस से हो गया, काफ़ी टाइम हो गया घर आए हुए, और अभी मैं पीछे खाना भी बन रहा है और लैपटॉप पे कुछ काम करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ दिमाग में बहुत कशमकश चल रही है कि यार अभी सारा कुछ लगभग नॉर्मल हो चुका है, ओमिक्रॉन कोरोना केसेस जो थे वो भी अब ठीक हो रहे हैं, एंड लाइफ में कुछ अब बहुत अच्छा स्टैंड लेने की ज़रूरत है यार। एक्चुअली क्या ना कि बहुत स्लो लाइफ चल रही है, थोड़ा सा इसको गियर अप करने का टाइम है, तो वही से दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल मैं अभी बैठ के ब्लॉग लिख रहा हूँ, एंड उसके बाद अभी खाना हो जाएगा तो खाना खाएंगे, फिर कल ऑफिस भी जाना है, और आज का ऑफिस का सब बढ़िया था, तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। तो फाइनली मेरा डिनर हो गया तैयार, अभी खाने का टाइम है। आई थिंक ये 9:30 हो रहा होगा एक्चुअली। तो देखिए क्या है इस खाने में, ये है
ये एक स्पेशल टाइप का फ्राई राइस है, इसमें चावल के साथ कुछ और भी मिला है, और इधर मेरा टमाटर और गाजर का सैलेड। तो ये है डिनर, बहुत खास नहीं है फिर भी फॉर मी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल। तो अभी चलिए डिनर करते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा भी और लिखना बाकी है। अभी एक्चुअली मैंने लिखा ही नहीं, शुरू मैं बैठा था लिखने के लिए लेकिन लिख नहीं पाया था, तो लिखना बाकी रहेगा और फिर आगे देखते हैं क्या होता है।